गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मी एंड ट्विंस व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो पीछे बैठे हैं वामिका और विवान, एज यूजुअल वो बहुत शैतानी कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ खाना। आज का व्लॉग मैंने दिन में से स्टार्ट किया ना, सुबह से नहीं कर पाई थी और मैंने वो व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया। वामिका विवान के पापा जा चुके, अब इनका एक का आध हफ्ते में बर्थडे आने वाला है तो वो फिर से वापस आने वाले हैं, इसलिए वो चले गए थे। तो मैंने ना वो ब्लॉग बहुत मतलब जाते हैं वो फिर रोना धोना ये वो, तो मेरे को ना नहीं होता, मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाती तो मैंने स्किप किया उसे। तो बस यही हो रहा है। और मैं कल गई थी पार्लर, मैंने वो ब्लॉग डाल दिया, आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं अपने हेयर करा के लाई स्ट्रेट, अब ये आज आज और कल और आज ऐसे ही छोड़ने और फिर कल जाती है होंगे वॉश। तो गाइस 2:30 बज गया है, मैंने खाना खा पी लिया था, बच्चों को सुला रही थी और अभी का मौसम देखो ऐसा हो रहा है। ये हमारे ना बैक साइड का व्यू है, ये पूरा हमारे बैक साइड का व्यू है, आप देख सकते हो ना ये। और कपड़े वगैरह मैंने धो के यहीं स्टैंड में डाल दिए सारे। और एक बात और बताती हूँ आपको, परसों मैं लेके आई थी दो ये पॉट लेके आई थी ना, फ्लावर पॉट लेके आई थी, इनडोर के लिए लेके आई थी इनको, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब है कि इनको बाहर ही रखना पड़ा। इसलिए बाहर रखना पड़ा, बाहर इसलिए रखना पड़ा क्योंकि अंदर इंडोर प्लांट रखूंगी तो बच्चे टैडी वैडी तो रख नहीं रहे, तो प्लांट को क्या ही खाक रखेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, इसलिए मैंने यहीं पे इनको रख दिया। और देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, मस्त मस्त सा। अब मैंने पार्सल मंगाया था एक मीशो से, तो वो मैं रिटर्न कर रही हूँ। साड़ी मंगाई थी, एक तो मेरे को पसंद ही नहीं आई, वो कलर इतना रेड आया उसको, अच्छी तो वो रिटर्न लेने आने वाले होंगे। अभी चलते हैं अंदर। गाइस पार्सल रिसीव करके ले गए वो, मैंने रिटर्न कर दिया था और बच्चे सो रहे थे, मौसम इतना ख़तरनाक हो रहा है, मैंने आपको दिखाया था अभी बिहाइंड साइड से। तो पड़ोस वाली दीदी है ना, वो फ्री हो गई होंगी तो छत पे बुला रही हैं, बच्चे सो रहे थे मैंने उन्हें उठा दिया, दिखाती हूँ। वामिका विमान छो लेते मम्मा ने उठा दिया, चल। गाइस बहुत अच्छी हवा आ रही है, मैंने एसी चलाया था तो जस्ट बंद किया है, इनको नेचुरल हवा खिला के लाती हूँ। वैसे मेरा मन तो नहीं हो रहा था क्योंकि ये सो रहे थे, फिर मैंने कहा चलो घूम के आते, चलो आओ कम ऑन। ओ मिला बच्चा छाला, गुंडा छाला, बोल दो हम जा ले हैं, बाय बाय, हम जा ले हैं, बाय बाय। विमानशी हाय कर दो, हेलो हाय कर दो। वामी क्या वो सो रही है, देखो वो सो रही है। वामी वामी का तो बताओ, बारिश भी ऐसे दिन आई जब मैं सर ही नहीं धो सकती, तो ऐसी है तो देखो। तो गाइस बारिश में आके नहा के हम वापस आ गए हैं घर पे, और मैं वामी के हेयर को कर रही हूँ ड्रायर से ड्राई, और शायद उसको ना गरम गरम लग रहा है। अब विवान की टर्न है, डोंट वरी। हाय गाइस, शाम के बज गए 7:30 और बारिश पे भीग करके मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, बच्चों को आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। और मेरे फ़ोन में ना बहुत सारा पानी भर गया था तो मैंने उसको वाटर रिजेक्ट किया, और फिर चार्ज होने में टाइम लग गया था। फिर घर में अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे आ गए थे, हम लोग साथ में ही बैठे थे, तो अब घर में इतना खलेरा मचा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और ऊपर से लाइट भी नहीं है तो विंडो खुली है, फैन चल रहे हैं, तो बस ऐसे हो रहा। बिना कुछ खाना बनाया कुछ भी नहीं किया, आज का दिन ऐसे ही चला गया गाइस, अब क्या ही बोलूँ। तो गाइस कुछ ही देर में 1 बजने वाला है, बच्चे सो गए हैं, मैं इतनी देर तक इसलिए जगी हूँ क्योंकि मेरे को कपड़े आयरन करने थे। देख लो मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, ये देखो 1 बजने ही वाला है अभी थोड़ी देर में। तो ये कपड़े बहुत सारे फैले हैं, मेरे को ये संभालने हैं, आयरन करनी थी, बच्चे दिन में करने नहीं देते इसलिए मैं रात को कर रही हूँ। तो गाइज़ मैं प्रेस कर ही रही थी ना तो मेरे को कुछ आवाज़ आई बहुत ही खटपट, मुझे लगा पता नहीं कौन ही आ गया। कैमरा ऑन करके देखा तो बिल्ली, देखो इसने एक डस्टबिन पहले गिरा और एक ये गिरा, ये गया सीधे नीचे। बहुत डर लग गया था गाइज मुझे क्योंकि मैं अकेली ही रहती हूँ। जब मैंने कैमरा चेक किया तो मुझे तसल्ली हुई है कि चलो बिल्ली है ना। 2:30 बज रहा था इस टाइम पे।
लगभग 3:30 बजे मेरी प्रेसिंग ख़त्म हुई तो मैंने बना ली कॉफ़ी, और इधर सो रहा है विवान और यहाँ पे सो रही है वामिका। तो गाइज़ गुड नाइट, बाय बाय, आज का व्लॉग यहीं तक था, गुड नाइट।